वीडियो देख रहे सारे सबसक्राइबरों और चैनल से पहली बार आए नवे दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। दोस्तों आज दा साडा जिहड़ा वीडियो हैगा इहदे विच असीं तुहानूं जानकारी देण जा रहे हैं कि जेकर तुसीं एक नवी वोट अप्लाई करनी हैगी आ उह तुसीं किस तरह कर सकते हो। दो प्रोसैस हैगे ने, एक ऑनलाइन प्रोसैस हैगा एक ऑफलाइन हैगा। अज दी वीडियो विच मैं तुहानूं ऑफलाइन प्रोसैस राहीं जानकारी देण जा रहा, क्योंकि जिहड़ा ऑनलाइन जिवें कि असीं वी वोटां अप्लाई करदे हैगे आ कैंडीडेट दीआं, सो ऑनलाइन दे विच जी 3 महीने भी लग जाते हैं, 4 भी लग जाते हैं, 5 महीने भी लग जाते हैं, वोटर कार्ड बनते नहीं है। स्टेटस जिहड़ा आता है बी एल ओ पेंडिंग प्रोसैस आता है, इदां दा स्टेटस जिहड़ा जो आता है तो वह तुहानूं समझना चाहिए है कि जिहड़ा तुहाडा वोटर कार्ड हैगा तुहाडा वेरीफाई नहीं हो पाया। जो तुसीं एप्लीकेशन ऑनलाइन अप्लाई की है वो तुहाडी अजे तक बी एल ओ ने वेरीफाई नहीं की। ऑफलाइन दे हैगा कि तुसी फार्म भर के डायरैक्ट अपने पिंड दे बी एल ओ नूं दे देना, उन्हें वेरीफाई कर देना, वोट तुहाडी छेती तो छेती बन के तुहाडे घर जिहड़ी आ उह नहीं आउंदी, उह तुहाडी बी एल ओ कोलों ही तुहानूं जिहड़ा वोटर कार्ड आ उह मिलदा। इस फार्म दा लिंक तुहानूं वीडियो दी डिस्क्रिप्शन विच मिल जाएगा। फार्म नूं प्रिंट आउट कढ सकदे हैगे, उह तुसी ब्लैक एंड वाइट भी कढ सकदे हो ते कलरफुल भी, उह तुहाडी मर्जी है। बाकी सारा फॉर्म ब्लैक एंड वाइट ही आ, बस लोगो कलर है। फार्म नूं भरना हुण तुहानूं दस दिंदे हैगे आ, सब तो पहलां तुसीं इत्थे अपने विधान सभा दा हल्के दा नाम जिहड़ा आ उह इत्थे तुसीं लिख देना हैगा। इस तों बाद तुसीं इहदे विच सही दा निशान ते टिक कर देना, एक अपनी फोटो लगा देनी है। इस तों बाद तुहानूं मैं फार्म छेती छेती भरना दसांगा, क्योंकि फार्म काफ़ी लंबा हैगा आ। इस तों बाद तुसीं करना कि जरूरी वेरवे विच अपना नाम भरना है, अपने पिता दा नाम भरना, ठीक है, पिता का नाम ई कोलम विच भरना है। तो जेकर तुहाडा उपनाम है तो वह भर सकते हो, नहीं तो उहनूं कोलम नहीं खाली छड्ड देना हैगा। इस तों बाद रिश्तेदार की किस्म अपने पिता के नाम से टिक कर दिओ, ठीक है। तो जेकर कोई फीमेल भरी है जिहदी मैरिज हो चुकी है वह अपने पत्नी पति का नाम भर सकती है, जिहदे विच लिख सकती है, टिक का निशान लगाना हैगा पति दे। इस तों बाद तुहाडी उम्र 2021 साल, मतलब कि 2021 चल रहा जिहड़ा भी साल चल रहा हैगा वह साल इत्थे लिखना। तो जिनी तुहाडी 1 जनवरी 2022 जां 23 है जां 24 है जां 25 है, जिन्ना साल हैगा उन्ने साल तुहाडी 1 जनवरी तक तुहाडी किन्नी उम्र होई है वह तुसीं इहदे विच अपनी लिख सकते हो। इस तों बाद अपनी पूरी जन्म तरीक लिखनी है, अपना सैक्स लिखना हैगा मर्द औरत, ठीक है। मौजूदा पता लिखना हैगा तुसीं अपना, मौजूदा पता दे विच पिंड दा नाम, डाकखाना, तहसील, थाना, जिला ते पिन कोड नंबर लिखना। बिने घर दा स्थाई पता, जेकर तुहाडा परमानेंट एड्रैस ते मौजूदा एड्रैस तुहाडा सेम है तो तुसीं इहदे विच अपना सेम एड्रैस लिख देना जो तुसीं उपर लिखिया। इस तों बाद जी तुहाडे कोल EPIC नंबर है, जेकर जारी किया गया तां इहनूं तुसीं खाली कोलम कर छड्ड देना, इह तुहाडे बी एल ओ दा काम हैगा। इस तों बाद जी अपंगता, जेकर कोई अपंगता दा केस हैगा तां तुसीं इहदे विच टिक दा सही दा निशान लगाना। ईमेल आई डी जेकर तुहाडे कोल कोई है तां भर सक लिख सकते हो, नहीं तां इहनूं खाली छड्ड दिओ। इस तों बाद जी अपना मोबाइल नंबर जिहड़ा उह भरना जरूरी है, इहदे विच इहनां ने लिखिया ऑप्शन, बट तुसीं इहनूं मोबाइल नंबर अपना जो जरूर इहदे विच लिखना है। इस तों बाद तुसीं स्वै घोषणा देनी हैगी आ, स्वै घोषणा दे विच जेकर तो कोई मेल हैगा तां इत्थे करदा ते टिक कर देगा, जेकर कोई फीमेल हैगी ते करदी ते टिक कर देगी। इस तों बाद तुसीं अपने पिंड दा नाम, जिला ते पंजाब लिख देना, ठीक है। ते मैं इत्थे अपनी जन्म तरीक लिख देनी हैगी आ तुसीं पूरी, ते जां फिर तुसीं इहदे विच लिखदे हो कि मैं जन्म तों उपरोक्त पते ते रह रहा हैगा आ, ठीक है। तो इहदे विच तुसीं वैसे जन्म तरीक ही मैनशन करनी है। तो जेकर किसी की मैरिज हुई हैगी है, तो जेकर कोई मतलब कि मैरिज तो बाद जिस पिंड मैरिज हुई है लड़की की, वो जिस जिस डेट में वो मैरिज हुई है उस डेट में तुसीं इत्थे लिख देना हैगा। तो इस तों बाद जी तुसीं अपना नाम लिखना, फिर राज दे चोण हल्के दे जिथे मैं हेठां दित्ते गए पते ते 27 इन्ना टिक करन तों बाद भरन तों बाद तुसीं दुबारा नीचे फॉर्म ते आ जाणा आ पूरा 27 पता। इहदे विच तुसीं अपना मकान नंबर, इलाका लिख देना हैगा, पिंड दा नाम लिखना, डाका लिखना, पिन कोड पा देना हैगा, ते पंजाब लिख देना हैगा, ते जिले दा नाम लिख देना हैगा। इस कोलम पा लेना हैगा कि मैं इस गल तों जाणू हां कि घोषणा करदा कि जो भी मैं डिटेल दित्ती है बिल्कुल सही दित्ती है, ठीक है। इस तों बाद तुसीं अपने स्थान दी अपने पिंड दा नाम लिख देना, जेकर तुसीं शहर तों बिलोंग करदे हो तो शहर दा नाम लिखना। मिति लिख देनी है जिस मिति नूं तुसीं अपना फॉर्म भर रहे हैगे जां फिर बी एल ओ नूं जमा करवाउण जा रहे हो, मिति तुसीं इत्थे लिख देनी है। दावेदार दे हस्ताक्षर जां अंगूठी दे निशान इत्थे तुसीं अपना जिहड़ा सिग्नेचर है वह लिखने हैगे आ, करने हैगे तुसीं। चोण हल्के दे चोण कार रजिस्ट्रेशन अफसर द्वारा भरिया जाएगा, यह जिहड़ा कोलम हैगा जी तुहाडा, ये तुहाडे बी एल ओ द्वारा भरिया जाना हैगा,
ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੋਰਮ ਬਾਕੀ ਆ, ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 3 ਨੰਬਰ ਪੇਜ 'ਤੇ ਆ ਜਾਓਗੇ, 3 ਨੰਬਰ ਪੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਰਸੀਦਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਰਸੀਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ BL ਉਹਨੇ ਰੱਖ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਸੀਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਸੀਦ ਆ, ਰਸੀਦ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਮਿਤੀ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ BLO ਦੇ ਨਾਮ ਆਏਗਾ, BLO ਦਾ ਸਾਈਨ ਆਣਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਰਸੀਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕੋਲਮ ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ 3 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਫਾਰਮ ਸਿਰਫ ਇਹੀ 3 ਲੱਗਣਗੇ। ਪਰੂਫ ਜਿਹੜੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰੂਫ ਦੀ ਗੱਲ, ਪਰੂਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਗੇਗਾ ਇੱਕ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ, ਠੀਕ ਆ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਲੱਗੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਅਨਮੈਰਿਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ 10ਵੀਂ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੱਗੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੇ 10ਵੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਕੋਲੋਂ ਬਣਦਾ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਰੈਕਟਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਪਰੂਫ ਲੱਗੇਗਾ ਜੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਰਿਡ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਫੀਮੇਲ ਹੈਗੀ ਆ ਮੈਰਿਡ ਹੋਈ ਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲੱਗੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲੱਗੇਗਾ, ਅਤੇ 10ਵੀਂ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੱਗੇਗਾ। ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਓਰੀਜਨਲ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਬਾਕੀ ਹਾਂ, ਓਰੀਜਨਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਰੀਫਾਈ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ BLO ਨੂੰ ਇਹ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਣਾ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਓਰੀਜਨਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। BLO ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰੂਫ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਓਰੀਜਨਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਾਈਲ ਹੈ, ਫਾਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ BLO ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਅਤੇ 1 ਜਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਪਲਾਈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ BLO ਨੂੰ ਫਾਈਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦੇਣੀ ਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਾਈਜ਼ ਫੋਟੋ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਲੇਨ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਤੇ ਫੋਟੋ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇਸ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਲਿੰਕ ਐਡ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡਾ CSE VLE ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵਟਸਐਪ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ PDF ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਭੇਜ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਵੋਟ ਕਿਵੇਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਐਡਰੈਸ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਤੇ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਮਿਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।